डियर स्टूडेंट्स, बीएससी सेमेस्टर सेकंड के सिलेबस में हम यूनिट फर्स्ट जो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म कर चुके हैं और आज हम अपनी सेकंड यूनिट शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। और इसमें जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एमिनो एसिड्स। अब ये एमिनो एसिड्स क्या होते हैं वही हम इसमें देखेंगे। एमिनो एसिड्स आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स के बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट्स माने बहुत ज़रूरी भाग होते हैं। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स को बनाने वाले होते हैं। एक्चुअल में प्रोटीन्स जो है एक पॉलीमर यूनिट है, ठीक है, और एमिनो एसिड्स जो है मोनोमर यूनिट है, यानी कि बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलकर जो है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बना देते हैं। तो दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स हैविंग एन एमिनो ग्रुप अटैच टू अ चेन कंटेनिंग एन एसिड ग्रुप। तो ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिसके नाम से भी हमें लग रहा है कि इसमें एमिनो ग्रुप होगा और इसमें एसिड ग्रुप होगा। तो जहाँ पर एमिनो ग्रुप भी और एसिड ग्रुप भी एक कार्बन चेन में प्रेजेंट हो तो उसको हम एमिनो एसिड बोल देते हैं। दीज आर डिजाइनेटेड एज अल्फा बीटा गामा एमिनो एसिड्स। इनको हम अल्फा बीटा गामा बोल सकते हैं किस बेसिस पर, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ NH2 ग्रुप ऑन द कार्बन चेन विद रिस्पेक्ट टू अ कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में किस कार्बन से NH2 ग्रुप अटैच्ड है, बस उसी बेसिस पर हम इसको अल्फा बीटा गामा बोल रहे हैं। जैसे कि अगर हम जनरल फार्मूला देखें एमिनो एसिड का, जैसे ये अल्फा एमिनो एसिड है तो हम इसको अल्फा क्यों बोल दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच जो पहला कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा। अब क्योंकि इसी पहले कार्बन से ये NH2 ग्रुप अटैच्ड है और या हम कह सकते हैं कि ये अल्फा कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए हम इसको अल्फा एमिनो एसिड बोल रहे हैं। अब अगर यही एमिनो ग्रुप, सपोज यहाँ पर भी कोई कार्बन होता, आगे कोई एक चेन होती, तो यहाँ पर भी एक कार्बन होता, तो वो कौन सा कार्बन होता है, ये अल्फा कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन बीटा कार्बन, और उस बीटा कार्बन से अगर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता तो हम इसी एमिनो एसिड को बीटा एमिनो एसिड बोल देते। तो बस ये डिपेंड करता है कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच्ड, किस कार्बन से एमिनो ग्रुप अटैच्ड है उसी बेसिस पर हम इसको अल्फा बीटा गामा या डेल्टा बोल दे रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। अब क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पर कर सकते हैं, तो ये दो बेसिस पर हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन रिलेटिव नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप, इस बेसिस पर कि उस पर्टिकुलर एमिनो एसिड में कितने NH2 ग्रुप प्रेजेंट हैं और कितने कार्बोक्सिलिक यानी COOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस बेसिस पर अगर हम डिवीजन करें इसका तो हम एमिनो एसिड्स को देख सकते हैं कि वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। अब वो कौन कौन से 3 टाइप्स हैं ये हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। NH2 ग्रुप अपने आप में एक बेसिक ग्रुप माना जाता है और COOH ग्रुप अपने आप में एक एसिडिक ग्रुप माना जाता है, ठीक है, बस इसी बेसिस पर हमने इसको डिवाइड किया। तो सबसे पहले आते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड। अब न्यूट्रल, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये एमिनो एसिड का नेचर जो होगा वो न्यूट्रल होगा। और क्यों न्यूट्रल हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो एमिनो ग्रुप है और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है दोनों का नंबर जो है वो सेम होगा। द नंबर ऑफ एमिनो एंड COOH ग्रुप आर इक्वल इन न्यूट्रल एमिनो एसिड, सो दीज आर न्यूट्रल इन नेचर। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पर ये एक जनरल फार्मूला है न्यूट्रल एमिनो एसिड का जिसमें COOH ग्रुप भी एक है और NH2 ग्रुप भी एक है, तो क्योंकि दोनों का नंबर सेम है इसलिए ये न्यूट्रल हो गया। एसिडिक एमिनो एसिड्स क्या हुए, एसिडिक एमिनो एसिड्स में यानी एसिडिक है नेचर में तो इसलिए एसिडिक ग्रुप का नंबर ज़्यादा होगा, तो एसिडिक एमिनो एसिड्स कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप देन एमिनो ग्रुप, सो दीज आर एसिडिक इन नेचर, इसलिए इनका नेचर जो होगा वो एसिडिक होगा। तो जनरल फार्मूला में अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 COOH ग्रुप जो है वो है और 1 NH2 ग्रुप है, तो क्योंकि एसिडिक ग्रुप का नंबर ज्यादा है इसलिए हम इसको एसिडिक एमिनो एसिड बोल रहे हैं, उनका नेचर भी एसिडिक होगा। नंबर थर्ड आते हैं हमारे बेसिक एमिनो एसिड। अब यहां पर क्या होगा, एमिनो ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा क्योंकि बेसिक ग्रुप का नंबर ज्यादा है तभी वो नेचर में बेसिक है और इसीलिए हम इसको बेसिक एमिनो एसिड्स बोल रहे हैं। तो बेसिक एमिनो एसिड्स कंटेन मोर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप देन COOH ग्रुप, सो दीज आर बेसिक इन नेचर। तो ये हमने एक जनरल फार्मूला लिखा, इसमें हमने देखा 2 NH2 ग्रुप है और 1 COOH ग्रुप है। ये CH2 का होल N लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर CH2 की काफ़ी लंबी चेन जा रही है, बस हमें यहाँ देखना है कि 2 NH2 ग्रुप है और 1 COOH, क्योंकि बेसिक ग्रुप का नंबर ज़्यादा है इसलिए हम ये बोलते रहे कि ये बेसिक एमिनो एसिड है और इसलिए इनका नेचर बेसिक है। तो जो ये क्लासिफिकेशन हुआ ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप। अब जो हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो इनके देखते हैं कि क्या नेसेसिटी के बेसिस पर है, कि बेस्ड ऑन नेसेसिटी ऑफ एमिनो, कि हमारे शरीर को एमिनो एसिड्स की जो ज़रूरत है या हमारे अंदर वो कितना बन पा रहे हैं कितना नहीं बन पा रहे हैं, उस बेसिस पर अगर हम देखें
तो अमीनो एसिड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक हमारे होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल की अगर हम हिंदी देखें तो ज़रूरी वाले, नॉन एसेंशियल माने जो ज़रूरी ना हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ऐसे दोनों ही हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन हम इनको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्यों कह रहे हैं वो अब अभी हम इनके अंदर जाकर देखेंगे। दोज एमिनो एसिड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड मस्ट बी सप्लाइड इन द डाइट आर कॉल्ड एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ऐसे एमिनो एसिड्स जिनको कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, मतलब जो हमारी बॉडी बना नहीं पाती और हम उसे बाहर से लेते हैं खाने की फॉर्म में, डाइट का मतलब हो गया जो भी हम खाने पीने की चीजें ले रहे हैं उस फॉर्म में अगर हम ले रहे हैं एमिनो एसिड्स को, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी बना नहीं पा रही है, और इसीलिए हम उनको बोलते हैं कि वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं क्योंकि हमें उन्हें बाहर से लेने की जरूरत पड़ रही है। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वेलिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, काफ़ी सारे, मतलब 10 अमीनो, लगभग हम 20 अमीनो एसिड्स पढ़ते हैं नेचुरली अकरिंग, जिसमें 10 एसेंशियल होते हैं और 10 हमारे नॉन एसेंशियल होते हैं। तो उसमें से मैंने सबके नाम नहीं दिए हैं, दो तीन के नाम आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होंगे, जिनको कि हमारी बॉडी बना लेती है। दोज अमीनो एसिड्स दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अदर कंपाउंड्स बाय द टिश्यूज ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इन नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स को हमारी बॉडी के टिश्यू जो है वो फॉर्म कर लेते हैं, बना पाते हैं, तो इसलिए हमें इन्हें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती और इसी वजह से हम इनको नॉन एसेंशियल बोल रहे हैं। तो नॉन एसेंशियल का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जरूरी नहीं है हमारी बॉडी के लिए, जरूरी तो दोनों ही एमिनो एसिड्स हैं, बस इनको हमारी बॉडी को बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये अंदर ही फॉर्म हो जाते हैं, इनको हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये हमारी बॉडी में नहीं बन पाते। तो अगर हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल देखें तो वो है ग्लाइसिन, एलानिन, टायरोसिन और भी हैं बहुत सारे। तो ये सब कुछ तो ये क्लासिफिकेशन था दो बेसिस के ऊपर। फिर इसके बाद ये दो पॉइंट्स हैं एमिनो एसिड्स के बारे में जो आपको ध्यान रखने चाहिए, तो हो सकता है कभी एमसीक्यूज में या फिर फिलअप्स में पूछ सकते हैं। तो जी, पहला पॉइंट है इसमें, मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कॉन्फिग्रेशन। ज्यादातर जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं उनका कॉन्फिग्रेशन होता है एल। मैंने आपको कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फिग्रेशन यानी कि जो रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन है वो स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। और इससे पहले जो हमने यूनिट खत्म की है कार्बोहाइड्रेट, उसमें हमने ये डी एंड एल नॉमनक्लेचर पढ़ा था जिसमें हमने ग्लिसरल्डिहाइड को बेस माना था और उसी बेसिस पर हमने डी और एल नॉमनक्लेचर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर एल अमीनो एसिड्स क्यों जो ग्लिसरल्डिहाइड का केस था या कार्बोहाइड्रेट का केस था उसमें हम OH ग्रुप को देख रहे थे कि OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, यहाँ पर हम NH2 ग्रुप को देखेंगे। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला हो गया अमीनो एसिड का, इसमें कार्बन चेन को इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, और अगर NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर गया तो हम उसको बोलते हैं एल अमीनो एसिड, और अगर यही NH2 ग्रुप हम राइट हैंड साइड पर बना देंगे तो वो हो जाएगा डी अमीनो एसिड। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि जितने भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं उनको हमने जो उनका रिलेटिव कॉन्फिग्रेशन है वो एल कॉन्फिग्रेशन दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स हैं, ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन पजेस अ कायरल कार्बन एटम, देयरफॉर दीज अमीनो एसिड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी ये शो करते हैं, और ये सब कुछ टर्म्स जो हैं आपके लिए नई नई होंगी क्योंकि ये सब मैं स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा चुकी हूँ और आप भी सेमेस्टर फर्स्ट में इसको पढ़ते आ रहे होंगे। तो जितने भी कायरल कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर वो जो होंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, और क्योंकि सारे ही अमीनो एसिड्स में कायरल कार्बन एटम होता है या एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी आप यहाँ कह सकते हैं। जैसे अगर हम ये एग्जाम्पल देखें, यहाँ कार्बन से चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए तो वो हमारा एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहलाता है। तो यहाँ पर चारों ही ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए ये जो है नेचर में कायरल है, या हम कह सकते हैं ये कंपाउंड जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। लेकिन जो ग्लाइसिन है हमारा अमीनो एसिड, अब ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन में अगर इस R को हटा के मैं H लिख दूं यानी NH2CH2COH, ये होता है ग्लाइसिन का फॉर्मूला। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो कायरल नहीं होता, एसिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दोनों सेम है, चारों जो कार्बन की वैलेंसी है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से नहीं जुड़ी हुई है, वहां पर दो हाइड्रोजन जो है सेम हो जाएंगे। तो क्योंकि कायरल कार्बन एटम इसमें नहीं होता है इसलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा ग्लाइसिन के बारे में कि सिर्फ ये एक ऐसा अकेला है जो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है, बाकी सारे अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा NH2CH2COOH। ठीक है, तो ये था
इसके कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इसमें ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। एमिनो एसिड ज़्यादातर फॉर्म जो है ज्यूटर आयन की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। अब ये ज्यूटर आयन बनता कैसे, देखिए यहाँ पर आपको एक ये एमिनो एसिड दिखाई दे रहा है जिसमें हमारा एमिनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब एक्व सोल्यूशन में डालते हैं एमिनो एसिड का, एक्व सोल्यूशन लेते हैं, तो वहाँ पर एसिड और बेस एक रिएक्शन, इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल में हमारा एसिड भी प्रेजेंट है और बेस भी प्रेजेंट है। और क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन होती है तो बहुत जल्दी से हो जाती है, तो यहाँ पर एक इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन होती है और जिससे हमें क्या मिलता है, एक आयन मिल जाता है। उस आयन को हम डाइपोलर आयन या ज्यूटर आयन बोल देते हैं। अब कैसे मिलता है वो अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म में। अमीनो एसिड्स कंटेन बोथ एन एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अ बेसिक एमिनो ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल। सेम मॉलिक्यूल पे हमारे पास बेसिक एमिनो ग्रुप भी है और एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप भी है। इन एक्वो सोल्यूशन द एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लूज अ प्रोटॉन एंड द बेसिक एमिनो ग्रुप कैन गेन अ प्रोटॉन इन अ काइंड ऑफ इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन। देखिए अब एसिड बेस रिएक्शन कैसे हो रही है, एसिड का क्या काम होता है, प्रोटॉन को देना, और बेस का क्या काम होता है, प्रोटॉन को लेना। क्योंकि यहाँ पर एसिड ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को दे देगा। प्रोटॉन कैसे निकलेगा, H प्लस की तरह निकलेगा, यानी H अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देकर निकलेगा। तो इस ऑक्सीजन पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, उसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि बॉन्ड को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि ये H प्लस की तरह है और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस H प्लस को दे देगा, तो क्या होगा, इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये अब NH2 ना रहकर NH3 हो जाएगा। और क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस H को दे दिए हैं, तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जहां पर भी चार्ज डेवलप हो गया है, तो ऐसी स्पीशीज हमारी पोलर कहलाती है। और क्योंकि ये आयन है तो इसलिए हम इसको पोलर आयन, क्योंकि यहाँ पर डाईपोलर आयन, क्योंकि पॉजिटिव आयन भी और नेगेटिव आयन भी है, तो या तो हम इसको डाईपोलर आयन बोल देते हैं, नहीं तो हम इसका नाम दे देते हैं ज्यूटर आयन। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ दिस इंटरनल रिएक्शन इज कॉल्ड अ डाइपोलर आयन और ज्यूटर आयन। तो इस एसिड बेस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट निकला वो हमारा ज्यूटर आयन निकला। ऑल दो इट इज अ न्यूट्रल ओवरऑल, अगर हम देखें तो न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इट कंटेन्स बोथ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज। हालांकि ये ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमें दिखाई दे रहा है। एमिनो एसिड्स इन द डाइपोलर आयन फॉर्म आर एम्फोटेरिक। जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो अगर डाइपोलर आयन फॉर्म में ले लें तो वो नेचर में हमारे एम्फोटेरिक होते हैं। नेचर में एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिड की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं और ये बेस की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। दैट इज दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो इन एसिडिक सोल्यूशन एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन को हम कैटायंस भी बोल देते हैं। तो एसिडिक सोल्यूशन में एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन या कैटायंस की तरह रहते हैं, जबकि बेसिक सोल्यूशन में ये एग्जिस्ट करते हैं नेगेटिव आयन या एनायन के फॉर्म में। अब ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो हम आगे रिएक्शन में देखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पर एमिनो एसिड है एसिडिक सॉल्यूशन में, ये हमने ज्यूटर आयन फॉर्म ले रखी है। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या मिल जाएंगे, H प्लस आयन मिलेंगे। अब क्योंकि H पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर O पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में रिएक्शन होनी होनी है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास जो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, जब ये H यहां से निकला था तो अपना इलेक्ट्रॉन दे के निकला था, तो वही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इस H को अगर वापस कर देगा तो O और H के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज हमारा एज इट इज रहेगा। इसलिए जो एमिनो एसिड ज्यूटर आयन फॉर्म में होते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, वो पॉजिटिव आयन की तरह एग्जिस्ट करते हैं। अब बेसिक सॉल्यूशन में कैसे एग्जिस्ट करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन में क्या होंगे, OH आयन होंगे। OH आयन बेस का क्या काम होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना, तो इसे जहां भी प्रोटॉन दिखाई देगा ये उसे एक्सेप्ट कर लेगा। यानी यहां से जो H प्लस आयन इस NH2 ने लिए थे, अब वो अगर H प्लस आयन वापस कर दे तो अपने इलेक्ट्रॉन जो इसने दिए थे वापस इसके पास आ जाएगा, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां से H अगर प्लस की तरह निकलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन देकर निकलेगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे देगा तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इस नाइट्रोजन पर जो दो इलेक्ट्रॉन हम दिखाते थे वो एज इट इज आ जाएंगे। तो ये यहां पर
इसका नेगेटिव चार्ज तो कहीं नहीं गया, वो तो एज इट इज ही रहा, सिर्फ इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो गया। तो यहाँ पर ये नेगेटिव आयन की तरह बिहेव करेगा, मतलब नेगेटिव आयन की तरह एग्जिस्ट करता है अमीनो एसिड जब वो बेसिक सॉल्यूशन में हम लेते हैं। तो ये था ज्यूटर आयन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एमिनो एसिड इज सब्जेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक एमिनो एसिड के सॉल्यूशन को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इट कैन मूव आइदर टुवर्ड्स द एनोड और द कैथोड। तो ये क्या करता है, या तो एनोड की तरफ या ये कैथोड की तरफ मूव करता है। डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन के नेचर पे, सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है, तो उसी चीज पर डिपेंड करता है कि एमिनो एसिड या तो कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ मूव करेगा। तो ये हमारी रिएक्शन मैंने बना रखी है जो हमने ऊपर भी थी। देखिए ड्यूटर आयन है हमारा ये, अगर हमने लिया बेसिक सॉल्यूशन तो बेसिक सॉल्यूशन में ये नेगेटिव आयन की तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल ये वाली रिएक्शन हो रही है। तो ये OH आयन हमने ले रखे हैं, ये वाली रिएक्शन होके हमने ये नेगेटिव आयन फॉर्म बना दी जिसको हम एनायनिक फॉर्म बोल रहे हैं। ये नंबर सेकेंड डाल दिया, ये नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अगर हम एसिडिक फॉर्म ले रहे हैं तो एसिडिक सॉल्यूशन ले रहे हैं सॉरी, तो ज्यूटर आयन फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव करती, पॉजिटिव आयन की तरह एग्जिस्ट करती, तो ये पॉजिटिव आयन की तरह एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ ये कैटायनिक फॉर्म है, तो अगर हम ज्यूटर आयन को एसिडिक सॉल्यूशन में लेते हैं तो उसकी कैटायनिक फॉर्म प्रीडोमिनेट करती है, और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में लेते हैं तो उसकी एनायनिक फॉर्म जो है प्रीडोमिनेट करती है। यानी बेसिक सॉल्यूशन में ये नेगेटिव आयन प्रीडोमिनेट करेगी और एसिडिक सॉल्यूशन में ये पॉजिटिव आयन की तरह जो कैटायनिक फॉर्म होगी वो प्रीडोमिनेट करेगी। और जो ये नीचे मैंने H प्लस लिखे हैं वो इसके लिए लिखे हैं कि अगर हम रिवर्स करा दें, यानी इसकी रिएक्शन अगर हम H प्लस से करा देंगे तो वापस से हमें ये मिल जाएगा, और इसकी रिएक्शन हम अगर OH माइनस से करा दें तो वापस से हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मूवमेंट कैसे हो रहा है, कब ये एनोड की तरफ और कब ये कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो इन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन द एनायन सेकंड प्रीडोमिनेट्स ओवर द कैटायन थर्ड एंड There is an overall migration towards the anode. देखो alkaline solution क्या होगा, ये वाला, ठीक है। तो ज्यूटर आयन फॉर्म अगर alkaline solution में होगी तो वो कैसे anionic फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ये वाली रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। यानी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जब इसके पर नेगेटिव चार्ज आएगा और हमने इस सोल्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यानी वहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा एनोड, तो इसलिए जो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है ये एनोड की तरफ माइग्रेट करेगी। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एमिनो एसिड जो है हमारा एल्कलाइन सॉल्यूशन में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जब वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा, यानी हमारा जो अमीनो एसिड है वो एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। सिमिलरली इन एन एसिडिक सॉल्यूशन द कैटायन थर्ड प्रीडोमिनेट्स ओवर द एनायन सेकंड एंड अमीनो एसिड्स मूव टुवर्ड्स द कैथोड। अब अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन ले ले, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, इसका नंबर बढ़ जाएगा, इन आयंस का नंबर बढ़ जाएगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां पर ये पॉजिटिव आयन की तरह है, यहां पर तो सिर्फ पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो ये कैटायनिक फॉर्म जो है प्रीडोमिनेट करेगी इन कंपैरिजन टू एनायनिक फॉर्म। तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कैथोड की तरफ मूव करेगी। जो एनायंस होते हैं वो एनोड की तरफ और जो कैटायंस होते हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इसको, तो ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब एमिनो एसिड की ज्यूटर आयन फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन में होगी तो क्योंकि वो पॉजिटिव आयन की तरह बिहेव कर रही है या पॉजिटिव आयन की तरह एग्जिस्ट कर रही है तो इसलिए वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कैथोड की तरफ जो है वो मूव करेगी। तो ये कैथोड की तरफ मूव करेगी। एट अ पर्टिकुलर पीएच वैल्यू द आयन सेकंड एंड द थर्ड मे एग्जिस्ट इन इक्वल अमाउंट्स एंड देयर वुड बी नो नेट माइग्रेशन ऑफ एन अमीनो एसिड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसा भी तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर पीएच पर इसका नंबर और इसका नंबर दोनों का इक्वल अमाउंट बने, ठीक है। जब दोनों का इक्वल अमाउंट बनेगा तो कोई नेट माइग्रेशन नहीं होगा, और जब कोई नेट माइग्रेशन नहीं होता है अमीनो एसिड का, बस उसी पर्टिकुलर पीएच को हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोल देते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की, तो वो क्या हो जाएगी कि सच पीएच वैल्यू एट विच अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड डज नॉट माइग्रेट टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ दैट अमीनो एसिड। माने कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जब एमिनो एसिड
किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट नहीं करता, तो ऐसी पीएच वैल्यू को हम बोल देते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ दैट अमीनो एसिड। और ईच अमीनो एसिड हैज अ करेक्टरिस्टिक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, हर अमीनो एसिड का एक करेक्टरिस्टिक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। अगर हम जनरल फॉर्म में देखें तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की जो आईपी की, आईपी मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स का जो आईपी की वैल्यू होती है उसका ऑर्डर होता है 6 के ऑर्डर की होती है। अगर हम बेसिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो वो होती है ग्रेटर देन 6 उसकी आईपी की वैल्यू, और अगर हम एसिडिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो वो होती है 6 लेस देन 6। अगर हम न्यूट्रल की बात करेंगे तो 6 की होगी, बेसिक की बात करेंगे तो ग्रेटर देन 6 की होगी, और एसिडिक अमीनो एसिड्स की बात करेंगे तो वो लेस देन 6 होगी। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही होगा जैसे हम न्यूट्रल पीएच के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रल पीएच हमारी 7 पर होती है, 7 से अगर ज्यादा है तो हमारा सॉल्यूशन अल्कलाइन होता है, 7 से पीएच अगर हमारी कम होती है तो एसिडिक सॉल्यूशन होता है। तो यहां पर जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की आईपी की वैल्यू है वो 6 है, ग्रेटर देन 6 हो जाएगी तो बेसिक अमीनो एसिड्स के लिए वैल्यू होगी, और लेस देन 6 हो जाएगी तो वो एसिडिक अमीनो एसिड्स के लिए वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो गया वो पर्टिकुलर पीएच जहां पर अमीनो एसिड माइग्रेट ही नहीं करता, क्योंकि उसके जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन वाली फॉर्म है वो इक्वल अमाउंट में बनी होती है। तो ये था पूरा अमीनो एसिड्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।